ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರು ಜಿ ಆರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 44 ಮೇ ಹಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಹುವಾ ಹೈ ತಕರೀಬನ್ ಅಭಿ ತಕ್ ತಕರೀಬನ್ ಲೋಕ ಕಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೋನೇಟ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಔರ್ ಭಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ತಕರೀಬನ್ ಲೋಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೋನೇಟ್ ಕರ್ ರಹೇ ಆಪ್ ಭಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ತೊ ಹಮ್ ಯೆ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಜೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೈ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೋಲೆ ತೊ ಉನ್ಹೋನೆ ಯೆ ಉನ್ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಖಾ ಗಯಾ ಹೈ ತೊ ತಕರೀಬನ್ ಲೋಕ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಐಸೆ ಅಚ್ಛೆ ಕಾಮ್ ಕೊ ಜೋ ಅಂಜಾಮ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಜೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ तो हम गुजारिश करते हैं कि गुलबर्गा टीम के तरफ से और भी ऐसे काम अच्छे होते जाए। नंबर 52 में इतना पानी आ चुका है कि वहाँ पे गंदा पानी, नालियाँ पूरे ब्लॉक हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी आया है, लोग घर से ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना बाहर के जो लोग हैं वो घर में जा सक रहे, जो घर के लोग बाहर निकले हुए, तो इतने हालात ख़राब है। तो इस वजह को लेके आज हमको वहाँ से हमारे कैंडिडेट कॉल किए, हमको बुलाए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे। तो हम जब पहुँचे जाके देखे, वहाँ के सब देखने के बाद हमको इतना ख़राब लगा कि गुलबर्गे में ऐसे भी वार्ड है हमारे। तो हम कॉरपोरेशन को जो है ना इंस्पेक्टर को कॉल किए करके बुलाए, उनको बुला के, और हेल्थ इंस्पेक्टर को कॉल किए, उनको भी बुलाए, बुला के हम बोले ये सब चीज़ क्या है, आप इसके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन नहीं लेंगे, आप इसके लिए क्लियर करो। तो उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि हमको कुछ वक्त दीजिए, हम इसको इमीडिएट पूरा क्लीन करते हैं और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। वार्ड नंबर 52 से, बसवा नगर से, तो ये आज हमने ये काम वहाँ पे करके आए हैं। तो ऐसे ही गुलबर्गा के 55 वार्ड के अंदर जो भी इशू है, जो भी लोग हमको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, हमको बुलाएंगे, अगर जो लोग वहाँ पे जीत के आए हैं, लोग उनको जिता के लाए हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं, कोई भी लोग हमको कांटेक्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, हम हर वार्ड में विजिट करेंगे, वो इशू को हम उठाएंगे और गवर्नमेंट ऑफिसर से हम बात करके वो काम पूरा कंप्लीट कराएंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेखर सिंह, आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज के दिन वार्ड नंबर 44 विद्यानगर में हॉल कमेटी में प्रमोद पोले के नेतृत्व में आज जो ब्लड बैंक डोनेशन यहाँ पे चला है, और जो लाइफ केयर ब्लड बैंक है उनको हम लोग धन्यवाद कहते हैं आम आदमी पार्टी कलबुर्गी से कि वो कंटिन्यू हम लोग इनके साथ मिलके काम करें। और यहाँ पे विद्यानगर, शांतिनगर, जैसे संजय कुमार सर ने कहा है कि आप घर से निकल के ब्लड दीजिए, दानों में दान श्रेष्ठ दान रक्तदान कहते हैं, तो हम लोगों का एक ज़िंदगी भी हम लोग बचा सकते हैं। तो आम आदमी का पार्टी का मकसद यही है कि काम की राजनीति हम काम पे करें और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी सब ठीक रहे, और लोगों को परेशानी जब आती है तो ब्लड काम आता है, वो टाइम पे वो लोगों को भी आप इसके ज़रिए आप हेल्प कर सकते हैं। तो आज का कहना है कि यहाँ पे उपस्थित हमारे बाबर मुस्तफ़ा सर, सैयद बाबर मुस्तफ़ा सर, संजय कुमार और शेखर सिंह और किरण राठौड़, ये हम लोग यहाँ पे उपस्थित है कि ये हम आगे भी ये पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहे, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे हेल्थ कैंप इन फ्यूचर में करने वाले हैं। तो ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आपको तो पता ही है काम की राजनीति में हम ध्यान देते हैं, और यहाँ पे जितने हमारे कैंडिडेट हमारे को वोट भी दिए थे 44 वार्ड से, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हम आगे वाले दिनों में आपका भी हम जो भी है काम नाली से लेके घर तक या ऐसे ब्लड बैंक, ये हम लोग आपका काम कभी भी करते ही रहेंगे, चाहे जीतो या हारो ये तो आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जैसा महर बैठ जाता है कोई सा भी पार्टी का हो, हम और मैनिफेस्टो के ऊपर भी काम करेंगे। ना आम आदमी पार्टी कड़े संजीव करिकल अंत मतड़ो इवतु वार्ड नंबर 44 विद्यानगर शांतिनगर जन वो सवर्णवकाश इवत नम कैंडिडेट सोत्र पर्वा नम कैंडिडेट वे कल और ब्लड डोनेशन कैंपन ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದರಂಥ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನೂ ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಡೆಂಗೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂತ್ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.